फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवीएसएस, योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में बात करते हैं झारखंड स्टेट की नीट यूजी काउंसलिंग के बारे में, जो अभी 2023 में होने वाली है। अब जून के फर्स्ट सेकंड से थर्ड वीक तक आपका एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट आ जाएगा, और जुलाई के फर्स्ट वीक से आप लोग की पूरी तरह से काउंसलिंग सभी स्टेट्स की स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं 2023 में क्या चेंजेस आ रहे हैं झारखंड स्टेट वाले बच्चों के लिए जो झारखंड में काउंसलिंग होगी। जो लास्ट ईयर टोटल वहाँ पे मेडिकल कॉलेज हैं, 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं झारखंड के अंदर, और अब 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, टाटा मणिपाल, जिसकी 25 सीटें स्टेट कोटा के अंदर जाती हैं, झारखंड वाले बच्चे ही काउंसलिंग करा सकते हैं, और बाकी की रिमेनिंग जो सीटें होती हैं टाटा मणिपाल की, वो MCC की डीम यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग जाती हैं। तो प्राइवेट में एक कॉलेज हो गया आपका टाटा मणिपाल 25 सीटों के साथ, और दूसरा जो लास्ट ईयर ही कॉलेज आया था लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज 100 सीट्स के साथ, ये दो। तो टोटल 125 सीट्स हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के पास, 2 ही कॉलेज हैं फिलहाल। अभी और भी ज़्यादा मेडिकल कॉलेज की रिक्वायरमेंट है झारखंड को, और साथ में 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इस साल 2023 में अभी तक का जो है इंफॉर्मेशन, उसके अनुसार 50 सीटें का इंक्रीमेंट हुआ है आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के अंदर 50 सीटें और ऐड हो गई। इसका थोड़ा सा बेनिफिट देखने को मिलेगा स्टूडेंट को मिलेगा कट ऑफ के अंदर। लास्ट ईयर के मुकाबले बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे इस साल के काउंसलिंग में, कट ऑफ का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही होगा। जो थोड़ा सा कट ऑफ 1 से 2-3 नंबर का बढ़ सकता था, वो 50 सीट ऐड होने के बाद कहीं ना कहीं उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। तो सिंपल सी काउंसलिंग होती है, आपको जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर काउंसलिंग होगी, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, और थर्ड राउंड आपका ऑफलाइन होता है, मॉपअप राउंड जिसको बोलते हैं, जहाँ पे आपको फिजिकल जाना पड़ता है वेन्यू के ऊपर। तो जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है jceecebjharkhand.gov.in, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन निकलेंगे। सभी बच्चे जो झारखंड के अंदर काउंसलिंग करना चाहते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बेसिक डिटेल डालेंगे, जो भी कैटेगरी से काउंसलिंग कर रहे हैं, यू आर, OBC, 1BC, 2 SC, SC या मैनेजमेंट कोटा के लिए काउंसलिंग कर रहे हो, बेसिकली अपनी डिटेल डालनी है। जो काउंसलिंग की फीस है 2000 रुपये की, वो पेमेंट कर देना है, कोई सिक्योरिटी अमाउंट अभी फिलहाल झारखंड नहीं ले रहा है। उसके बाद जैसा आपका स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग करेंगे। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बात करें कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ इस बार 2023 में क्या जा सकता है, तो नियर अबाउट 590 के आसपास का कट ऑफ रहेगा झारखंड के अंदर जनरल कैटेगरी का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि BC1 कैटेगरी के अंदर क्या कट ऑफ जाएगा, तो BC1 का कट ऑफ वही 575 से 578, 575 से 578 के बीच में जाएगा। वहीं पे BC2 का कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इसका कट ऑफ नियर अबाउट आपका 580 के अबव जाएगा, 585 तक जा सकता है BC2 का। EWS कैटेगरी का कई कट ऑफ जो है यहाँ पे नियर अबाउट 575 से 578 के बीच में जाना चाहिए 2023 का। वहीं पे SC कैटेगरी की बात करें तो नियर अबाउट इसका स्कोर 425 तक जा सकता है, और ST कैटेगरी का 300 तक जा सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। इसके तुरंत बाद जैसे कि हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, टाटा मणिपाल के पास सिर्फ 25 सीटें, उसमें 11 सीटें तो जनरल वाले बच्चों के लिए है। तो जनरल वाले बच्चों का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करता, अगर 590 पे गवर्नमेंट कॉलेज खत्म हो रहा है तो 575 के ऊपर प्राइवेट कॉलेज मणिपाल भी फिनिश हो जाएगा। 1,75,000 रुपये की एक साल की फीस है इसकी। और रिजर्व कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं BC1, BC2, SC, ST स्टूडेंट, इनके लिए फीस और कम है, 7,15,000 रुपये की फीस है। तो इस पे जो कट ऑफ होता है बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता है। नियर अबाउट आप मान के चलिए कि 5 से EWS का बच्चा है या BC1 का बच्चा है या BC2 का बच्चा है, 575 पे उसको गवर्नमेंट में सीट मिली तो 572 पे इधर आपको प्राइवेट में सीट मिलेगी। चॉइस फिलिंग में पहले आप बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लगा देता है, बाद में नीचे से प्राइवेट लगा देता है, गवर्नमेंट नहीं मिला तो प्राइवेट मिल जाएगा। और लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज का लास्ट ईयर के स्टैट्स ये बताते हैं कि झारखंड के ज़्यादातर फैमिलीज हैं जो कि बाहर नहीं जाना चाहते हैं, बिकॉज नया कॉलेज होने के बाद भी काफ़ी बच्चों ने इस कॉलेज को प्रीफर किया। स्टेट कोटा के अंदर सभी का कट ऑफ नियर अबाउट 550 के ऊपर ही गया है, तो इसका भी कट ऑफ ट्रेंड वही चलेगा आपका झारखंड के अंदर लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज के अंदर। कि अगर जनरल वाली कैटेगरी की बात करते हैं तो नियर अबाउट 560 का कट ऑफ जाएगा। EWS, BC1, BC2 का कट ऑफ भी नियर अबाउट 550 के आसपास जाएगा। SC कैटेगरी की बात करते हैं तो नियर अबाउट 380, 375 तक कट ऑफ जाएगा, और ST कैटेगरी का नियर अबाउट 300 तक आपको कट ऑफ जाएगा। तो सिंपल सी काउंसलिंग है झारखंड में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब ये चीज़ यहाँ पे श्योर है कि जो भी बच्चों का स्कोर 200, 300, 350, 450 के आसपास है, उन सभी बच्चों को झारखंड के बाहर दूसरे स्टेट्स अभी से डिसाइड कर लेने हैं जहाँ पे उनको काउंसलिंग करनी है, क्योंकि झारखंड के अंदर इस स्कोर वाले बच्चों को सीटें नहीं मिल रही हैं। तो आप अपने नेटिव स्टेट बिहार, वेस्ट बंगाल या जो भी आपको स्टेट पसंद है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और फीस वाइज, वहाँ पे अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो ये चीज़ स्टूडेंट को पहले थोड़ा सा देख लेना रहता है काउंसलिंग से पहले कि मेरे स्कोर के अकॉर्डिंग मुझे कहाँ पे सीट मिल सकती है।
झारखंड में आप देखें, अगर आपको झारखंड में खेला है कि आपका स्कोर है तो आप झारखंड में काउंसलिंग कराएं, अगर झारखंड में स्कोर कम आ रहा है तो जो रेस्ट ऑफ द ऑप्शन आपके सामने है, डीम स्टेट काउंसलिंग है, और जो ओपन स्टेट्स हैं यूपी है, राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, ये सारे स्टेट्स में एक्सप्लोर करके उधर साउथ में जाते हैं तो पांडिचेरी ओपन रहेगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, इन सब स्टेट में काउंसलिंग करा के आप सीट पा सकते हैं। सही से देखेंगे तो हर स्कोर पर बहुत अच्छी सीट्स रहती हैं। बस काउंसलिंग में यही रहता है कि बहुत ज़्यादा सीटें हैं आपके पास, एक स्कोर है तो आपको बेस्ट काउंसलिंग का मतलब यही होता है कि अपने स्कोर पर बेस्ट सीट कैसे निकाल के ले जाना, इसी हिसाब से आपको काउंसलिंग करनी है। तो झारखंड की बहुत स्मूथ सी काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निकलेंगे, बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना है, कोई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं, 2000 रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग में 6 आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देंगे, 50 सीट का इंक्रीमेंट हो गया है नेमल मेट्रो मेडिकल कॉलेज के अंदर, और बाकी प्राइवेट का स्टेटस अभी वही है कि 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आके यहाँ पे आएंगे फ्रेंड्स। तो ये छोटा सा सेशन था झारखंड के लिए। अगर कोई टॉपिक आपका रह गया है जो सेशन में नहीं कवर हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका बिल्कुल आपको रिप्लाई किया जाएगा। और अगर आप किसी अदर स्टेट का कट ऑफ जानना चाहते हैं जो आपके पास नहीं है, क्या फीस है, कहाँ स्टेट में कैसे काउंसलिंग होती है, क्या वेबसाइट है, लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था, मेरे स्कूल पर कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, तो ये सारी जानकारी के लिए आप EduAces की ऑफिशियल वेबसाइट EduAces.com पे विजिट करके पोस्ट वाले सेक्शन से इंडिया के सारे स्टेट के कट ऑफ वहाँ से देख सकते हैं, फीस की डिटेल देख सकते हैं, और काउंसलिंग की अच्छी प्रिपरेशन करके काउंसलिंग करेंगे तो डेफिनेटली कोई गलती नहीं होगी और अच्छी सीख के साथ आप अपनी करियर की स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो आप टीम EduAces से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आवर टीम विल हेल्प यू फॉर काउंसलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू काउंसलिंग एक्टिविटीज। थैंक यू सो मच।